गाइस, तो मैं आ गया हूँ इस्लामाबाद और आज जो है इस्लामाबाद को मैक्सिमम एक्सप्लोर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो इस्लामाबाद मैक्सिमम दिखाऊँ, ठीक है। अभी मैं हिल व्यू पार्क के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको जो है वो इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, ठीक है, इसके व्यूज़ दिखाता हूँ। ये बिल्कुल जो है वो सेंटोरस के नज़दीक है और यहाँ पे जो है बड़ा ही पीसफुल जो है ना, बड़ा मस्त सा जो है ना माहौल है। ये सामने जो है वो आपको सेंटोरस नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटोरस के जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। ये सामने आपको सेंटोरस नज़र आ रहा है, ठीक है। कितने प्यारे जो है इसके व्यूज़ हैं। आप भी जब भी यहाँ पर आएँ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो है आप ज़रूर आएँ। ये देखें, ये जो है वो डिफरेंट प्ले एरियाज बने हुए हैं बच्चों के लिए। स्पेशली जब रेन हो और उसके बाद जो है यहाँ पे इतना जो है वो मज़े का सीन होता है आने का। तो यहाँ से सामने मार्गला हिल्स नज़र आती हैं, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल जो है ना पीसफुल सा माहौल है। मैं तो हमेशा जब भी इस तरफ आऊँ, सेंटोरस वाली साइड पे या सेंटोरस आऊँ, तो यहाँ पे ज़रूर आता हूँ और यहाँ पे बड़ा एंजॉय करता हूँ। जी गाइस, तो कहाँ जाया जाए आप? चलें, कोई सरप्राइज़ जो है वो डेस्टिनेशन रखता हूँ और वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि कहाँ मैं आया हूँ। जी गाइस, फैसल मस्जिद आया हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो जो है वो वैसे ही ओपन है और आगे जाके पता नहीं कि वो एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। वैसे बाहर जो है वो बैरियर्स लगे हुए हैं, जैसे आपने पहले जो है वो देखा। मैं गाड़ी पीछे ही जो है वो पार्क करके आया हूँ और अब देखते हैं आगे चल के कि क्या सिचुएशन है। जी गाइस, तो माशाल्लाह देखें कितनी ही प्यारी मस्जिद है, ठीक है, फैसल मस्जिद। और मैं वो पूछे अंकल से, वो कह रहे हैं कि अंदर भी जाने दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के टाइम पे जो है वो मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और बड़ा प्यारा जो है व्यू है, स्पेशली जो पीछे हिल्स का व्यू है, और वैसे भी इसके लॉन्स भी जो है वो काफ़ी ओपन एरिया है, काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पर। तो आप जब भी यहाँ पर आएँगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो बड़ा पीसफुल सा जो है इन्वायरमेंट पाएंगे। यहाँ पे बड़ा सुकून आता है और स्पेशली जो है वो इतनी अच्छी मस्जिद देख के मज़ीद जो है वो अच्छा लगता है। जी, तो मस्जिद के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं मिली, अलबत्ता ये है कि नमाज के टाइमिंग के अंदर जो है हम अंदर जाके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है फिल्म हम नहीं बना सकते, वहाँ पे मूवी नहीं बना सकते, तो इसलिए जो है ना मैं अंदर नहीं जा सका। वैसे भी नमाज की टाइमिंग भी नहीं, वरना मेरा बड़ा दिल था कि मैं अंदर जाके नवाफल पढ़ लेता। हाँ जी, तो अब चलते हैं मार्गला हिल्स की तरफ, मोनाल चलते हैं और इस्लामाबाद की जो है नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं, ज़रा वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो टू मार्गला हिल्स। जी गाइस, तो ये सियाचिन रोड है और ये हिल साइड रोड है और यहाँ पे आप देख लें कि मंकीज़ हैं, ठीक है, कुछ तो बहुत छोटा सा बेबी मंकी देखें आप। मैं कोई एडवेंचर नहीं करना चाहता इनके साथ, नीचे उतर के जो है वो मैं इनके साथ हेलो हाय करूं, वरना जो है वो कोई एडवेंचर हो सकता है सीरियस किस्म का, ठीक है। हेलो बॉयज गर्ल्स, ये देखो इसने ऊपर देखा है, हेलो गर्ल्स। अब नहीं, अब गुस्सा कर रही है, ठीक है, अब नहीं देख रही। हाँ जी गर्ल्स, तो चालान हो चुका है, ठीक है, सीट बेल्ट नहीं मैंने लगाई हुई थी और उसकी वजह से चालान हो गया है।
ये शायद आपको पुलिस वाले नज़र आ रहे हों, वो पीछे, ठीक है। तो अभी मुझे मैसेज आया है और मैं जो है वो उनको इजी पैसा करता हूँ, देन मुझे जो है वो मेरा मिलेगा लाइसेंस, ठीक है। तो फिर जो है इजाज़त होगी जाने की, तो एक टीका तो लग गया है, ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं सीट बेल्ट ज़रूर बांधूंगा सिटी के अंदर। अभी मैंने पेट्रोल डलवाया था और मुझे था कि यार अभी जो है वो मैं बांध लूँगा, अभी यहाँ तक तो जाना है, लेकिन ये है कि हो जाता है इस तरह से भी। ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया पुलिस वाले ने, कहते हैं जी कि जहेज कैश करवा के आए, गली नंबर 25 में जाएं, आगे फरदौस मार्केट आएगी, वहां पे वलीद पीसीओ वाला होगा, ये है वो है। मैंने कहा यार इधर ही ले लो, होता है इनके पास जो है वो समटाइम्स इजी पैसे वाला, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। अब जा रहा हूँ, तो गाइस बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल बड़ा अच्छा लेसन मिला है कि सीट बेल्ट तो लाजमी लगानी है। तो आ गया हूँ फिरदौस मार्केट में, ठीक है। वो सामने वलीद पीसीओ, उसके ऊपर भराए चालान अच्छे बच्चों की तरह, और अब जाके अपना लाइसेंस लूँगा। वैसे इतनी दूर नहीं थी ये फिरदौस मार्केट लकीली, क्योंकि ये पास ही जो है वो चौक में वो थे पुलिस वाले, और यहीं पे जो है आके मुझे भरना पड़ा। समटाइम्स ये होता है कि बड़ी दूर जाके जो है वो चालान आपको पे करना पड़ता है, तो बेहतर है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो सीट बेल्ट ही बांध लूँगा। हाँ जी, तो मैंने तो ले ली हैं, लेकिन एक और मुर्गा जो है वो पकड़ा गया है, ठीक है। तो बेहतर है कि नेक्स्ट टाइम आप भी ख्याल रखेंगे। हाँ जी, मेरा तो दिल था कि मैं आपको मोनाल दिखाता और मार्गला हिल्स की जो है वो सैर करवाता, लेकिन अनलकीली ये हुआ कि वहाँ पर उन्होंने रोक दिया चेक पोस्ट के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि आगे जो है वो बंद कर दिया गया मार्गला हिल्स को विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो ये बड़ी जाती है, वैसे 300 का मुझे चालान भी भरना पड़ा इस तरफ आने की वजह से, और आगे जो है वो मेरा पर्पज़ भी जो है वो पूरा नहीं हो सका, आप लोगों को मार्गला हिल्स भी नहीं दिखा सका। तो अब जो है यहाँ से दूर से मैं आपको नज़ारा करवा देता हूँ हिल्स का, तो उससे गुजारा कर लें। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं आपको मार्गला हिल्स भी दिखाऊँगा, मोनाल भी दिखाऊँगा। दुआ करें कि ये कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो, तभी जो है ये पॉसिबल हो सकेगा जी। तो ये जो है वो मार्गला हिल्स हैं, इनकी बुलंदियों तक लेके जाना था मैंने आपको, जो मैं बिल्कुल नहीं लेके जा सका, ठीक है। वो टॉप के ऊपर कहीं जाके जो है ना वो आता है मोनाल, ठीक है। तो वहाँ तक मैंने जाना था, लेकिन अनलकीली वो रास्ता बंद होने की वजह से हम नहीं जा सके, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो फिर कभी जाएंगे। मैंने जो भी डेस्टिनेशंस सिलेक्ट की हैं विज़िट करने के लिए, वो सारी की सारी जो है ऐसी हैं कि वहाँ पे रश नहीं है, ठीक है। अगर आप भी आएँ तो वहाँ ऐसी जगहों पे आएँ जहाँ पे रश ना हो जी। गाइस, तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ मिलूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।